नमस्कार, गणित में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की और उन पार्टियों की जिनको जीतना इस लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, और साथ ही समझेंगे कि किन पार्टियों और किन नेताओं को हारना इस लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। देखिए, 6 दौर का मतदान हो चुका है, 7वें दौर का मतदान बाकी है। 23 मई को नई लोकसभा का स्वरूप साफ हो जाएगा, ये तय हो जाएगा कि 17वीं लोकसभा में सरकार किसकी बननी है। सरकार एक पार्टी की बननी है, एक गठबंधन की बननी है, या खिचड़ी बननी है। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, 6 दौर के मतदान होने के बाद जिस तरीके से हम घूम के आए हैं और जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट आ रही है, उसमें स्पष्ट तौर पर किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। तो क्या बहुमत नहीं मिलना लोकतंत्र के लिए ठीक है, या किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना ज़रूरी है? इस परिस्थिति का, इस समस्या का जरा आकलन करते हैं और इसका गणित समझते हैं। देखिए क्या है, कई सालों बाद, कई दशक बाद, 1984 के बाद 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई, सरकार बनी। हालांकि चुनाव उसने गठबंधन में लड़ा था, लेकिन खुद अपने बदौलत उसकी सरकार बनी, लेकिन गठबंधन के सारी टीमों को, सारी पार्टियों को साथ लेकर चली और सरकार 5 साल उसने चलाई। अब आज ये सवाल मौजूद है कि क्या इस चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस किसी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? वो कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 40 के आंकड़े पे सिमट गई, 44 सीटों पे सिमट गई, तो क्या वैसी परिस्थिति में अब वो इतनी सीटें लेके आ पाएंगी कि उसको बहुमत मिले? और क्या 282 सीट पाने वाली बीजेपी इतनी कम सीटें लेके आएंगी कि उसकी सरकार नहीं बने? इस पूरी परिस्थिति का आकलन करने में एक जो दूसरा पहलू है, मैं उस पहलू पर आज चर्चा करना चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि आखिर किसको जीतना चाहिए लोकतंत्र के लिए, किसको जीतना चाहिए और लोकतंत्र ठीक हो उसके लिए किसको हारना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि किसको हारना चाहिए। देखिए, जब पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जब चर्चा संविधान की हो, जब बातचीत अभिव्यक्ति की आज़ादी की हो, जब बातचीत स्वतंत्रता की हो, जब बातचीत राजनीति की हो, तो ये समझना ज़रूरी होता है कि ये पार्टियां और ये नेता आखिर कर क्या रहे हैं और इसका परिणाम आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसको ठीक से समझिए। हम शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से। अब देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरीके का पूरा माहौल पश्चिम बंगाल में बनाया है, और आप देखें पूरे 6 दौर में, 6 दौर के चुनाव हो गए और पूरे 6 दौर में हर दौर में हिंसा हुई। टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त थे और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सख्ती करी थी, हमने देखा है कि चुनावों के दौरान हिंसा लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन इस बार फिर देखा गया कि पूरे चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा होती रही। हालांकि इस दौर में बिहार में भी छुटपुट घटना नज़र आई, एक सांसद को भी लोगों ने घेरा, हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आप देखिए कि बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने किया, एक तो हिंसा पर काबू नहीं कर पाई, छिटपुट घटनाओं के साथ साथ बड़ी घटनाएं होती रहीं, लोगों की पिटाइयाँ होती रहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे जाते रहे, कांग्रेस के लोग पीटे जाते रहे, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं को ममता बनर्जी ने बंगाल में आने नहीं दिया। एक तरीके से मतलब कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया, उनको परमिशन नहीं दिया, और जो ये परिस्थिति बनाई उसमें हुआ ये है कि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एक समझौता किया है। देखिए, सीपीएम की सरकार थी, वहाँ पर 25 साल से ज़्यादा वहाँ सरकार चली लेफ़्ट पार्टी की, और लेफ़्ट पार्टी ने जिस तरीके से बंगाल को बर्बाद करने में भूमिका निभाई, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, जिस तरीके से गुंडे पाले, वो सारे गुंडे समय के साथ तृणमूल में शामिल हो गए। अब हुआ ये कि लेफ़्ट पार्टीज़ के अपराधी तत्व तृणमूल में आ गए और तृणमूल के भ्रष्टाचारी तत्व बीजेपी में चले गए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई दूध की धूली और बिल्कुल गंगोत्री थी, लेकिन उसने क्या किया, अपराधियों के बजाय भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में शामिल किया।
और ममता बनर्जी ने उन अपराधियों को या गुंडा तत्व को अपनी पार्टी में शामिल किया जो सीपीएम या लेफ्ट की दूसरे इकाइज के साथ सालों से जुड़े हुए थे। नतीजा ये हुआ कि वही गुंडागर्दी जो लेफ्ट की के शासनकाल में बंगाल में होती थी वही आगे भी शुरू रही, वो आगे जारी रही। ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि अब चूंकि 6 दौर का चुनाव हो चुका है, आखिरी दौर का चुनाव है, वहाँ पर अगर लोगों ने समझ बूझ दिखाई होगी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिलेंगी। हालांकि ऐसा भी नहीं होने जा रहा कि सीटें उनको इतनी मिल जाएंगी कि वो बाकी जगह की कमियाँ पूरी कर लेंगे, लेकिन होना ये चाहिए, इस लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो होना ये चाहिए कि ममता बनर्जी पर थोड़ी सी नकेल कसी जानी चाहिए, थोड़ी सी उनके पूरे कार्यशैली पे लगाम लगनी चाहिए। और एक कोई, पहले भी हमने देखा है कि कोई पत्रकार या कोई कार्टूनिस्ट कोई खबर बनाता है, कोई कार्टून बनाता है, कोई ममता बनर्जी के खिलाफ लिखता है तो वो जेल चला जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। अभी भी एक फोटोशॉप फोटोग्राफ्स को लेकर के ऐसा ही किया गया। ऐसी परिस्थिति में क्या है कि अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाएंगे, तो देश की जनता को समझदार होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरा यह व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को थोड़ा झटका मिलना ज़रूरी है। अब कितना मिलता है वो तो वोटर तय करेंगे, लेकिन वो सदमा उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो लोकतंत्र मजबूत हो, और वहाँ पर जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक वो कुछ कर नहीं पाएंगी। हालांकि चुनाव लोकसभा का है, लेकिन अगर सीटें उनकी कम होती हैं पिछली बार की तुलना में और ठीक ठाक संख्या में अगर कम होती है तो वो कंट्रोल्ड होकर के कुछ बेहतर काम करेंगी ताकि अगले विधानसभा में अपनी इस कमी को पूरा कर सके। लिहाजा आप समझिए कि ममता बनर्जी को हारना चाहिए। यहाँ मैं ममता बनर्जी को हारने से मेरा मतलब ये है कि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा में कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं कि वो उनकी पार्टी हारेगी, उनकी सरकार हारेगी, लेकिन उनकी पार्टी को हारना चाहिए, ममता बनर्जी की पार्टी को बंगाल में ये होना चाहिए। बंगाल से हम शिफ्ट करके चलते हैं कश्मीर। महबूबा मुफ्ती को भी हारना चाहिए। जो महिला बार बार पाकिस्तान की तरफदारी करे, अलगाववादियों की तरफदारी करे, तो ये एक ऐसी लीडर है कि इनकी पार्टी को भी हारना चाहिए और इनकी पार्टी का तो सफाया हो जाना चाहिए। अब वहाँ पर कांग्रेस को सीटें मिले, बीजेपी को सीटें मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पीडीपी को तो बिल्कुल एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए और इनकी पार्टी को तो बिल्कुल, इनका तो हारना बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ बचा के रखनी है तो ऐसे लोगों का हारना ज़रूरी है। उसी तरीके से दिल्ली में आइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, हालांकि अरविंद केजरीवाल 7 सीट पर दिल्ली में 3 नंबर पर होंगे, हो सकता है एक सीट पर राघव चड्ढा शायद 2 नंबर पर आ जाएं, बाकी सारी सीटों पे वो 3 नंबर पे होंगे, क्योंकि लड़ाई यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो गई है। कितनी भी मशक्क़त कर लें, आम आदमी पार्टी वहाँ अब सीन में नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को हारना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो राजनीति इस देश के हित में नहीं है, वो भी तानाशाही वाली राजनीति करते हैं, इसलिए उनको हारना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सब हारेगा तो जीतेगा कौन, जीतना किसको चाहिए? तो देखिए, यही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आज हम थोड़े लीक से हट के बातें कर रहे हैं, इसमें क्या है कि कौन जीतेगा ये जानना ज़रूरी तो है ही, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से लोग हमारे देश में लोकतंत्र के लिए घातक हैं, जिनका हारना ज़रूरी है। अब वहाँ पर तुलना करनी पड़ती है कि अगर ये घातक है तो दूसरा पक्ष कैसा है। वैसी परिस्थिति में अगर आपके पास ऑप्शन है तब तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए सोचने का विषय ये है कि ऑप्शन नहीं है और अगर ये व्यक्ति को हारना ही चाहिए तो होगा क्या। इसका मतलब ये है कि हमारे लोकतंत्र में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जहां पर राजनीति को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार बने नहीं बने वो तो गठबंधन की सीटों के आधार पर तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आना चाहिए। पूर्ण बहुमत अगर उसको आएगा, उस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी, तो पूर्ण बहुमत मिलने के बाद क्या होगा कि फिर वो तानाशाही रवैया फिर वही अख्तियार होगा और फिर समस्याएँ बढ़ेंगी। तो केंद्र में सरकार किसी की भी बने, वो इस बार, इस दफ़ा कम से कम फिर मिलीजुली सरकार बननी चाहिए। देखिए, मिलीजुली सरकार नरसिम्हा राव ने भी चलाई है, मिलीजुली सरकार
मिलीजुली सरकार नरसिम्हा राव ने भी चलाई है, मिलीजुली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाई है, इसलिए मिलीजुली सरकार बने इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि मिलीजुली सरकार उस दौर की नहीं बने जो 89 से 91 तक चली, जिसमें सरकारें, या फिर 96 से 98 तक चली, जिसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, सवा साल के लिए सरकारें बनती थी, प्राइम मिनिस्टर तय होते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि हमको और आपको आज इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर इस परिस्थिति में जीतेगा कौन। तो भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे वो तो बाद में तय होगा, लेकिन केंद्र में उनकी सरकार गठबंधन की सरकार बने, अगर बनती है तो फिर मामला ठीक है। कांग्रेस की सरकार बने, वो भी गठबंधन की सरकार में बने, क्योंकि जब आप चुनाव गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं तो उस गठबंधन की पार्टी को, उस गठबंधन की पार्टी का भी कोई ना कोई से उस टीम में होना चाहिए। होता यह है कि आप गठबंधन के सहारे चुनाव जीतते हैं और जब पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनती है तो उस गठबंधन के नेताओं को आप तवज्जो देना बंद कर देते हैं, उनको आप भाव देना कम कर देते हैं। वैसी परिस्थिति में आप अपनी मनमर्जियां चलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं बिहार पर। बिहार में दो बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू, जो शासन में एक साथ मिलकर रही हैं। 2015 का चुनाव उन्होंने एक साथ मिलकर लड़ा विधानसभा का, 2014 में वो अलग थे, लेकिन 2014 के समय वो एक बार एकजुट हुए और 2015 का चुनाव उन्होंने साथ मिलकर लड़ा। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए क्या एक माहौल बनता है। इन दोनों को, बिहार में दोनों पार्टियों को, आरजेडी को और जेडीयू को, दोनों को हारना चाहिए। क्यों हारना चाहिए? क्योंकि अब नीतीश कुमार का क्या है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सत्ता में गठबंधन करते हैं, उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं और कुछ समय के बाद फिर सरकार से अलग हो जाते हैं। वो इसलिए अलग हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके साथ हमारा नहीं चलेगा, फिर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जिस बीजेपी को गाली देकर के वो सरकार में आते हैं, जिस लालू यादव को गालियां दे देकर वो सत्ता में आते हैं, उस लालू यादव के साथ वो गलबैयां कर लेते हैं। तो ऐसी पार्टी को तो बिल्कुल हारना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसमें होता क्या है कि एक बार आप जनता के सामने जाते हैं अपनी बात रखने, ये कहते हुए कि हम इनके साथ सरकार में जुड़े हुए हैं, इनके साथ सरकार बनाएंगे, और फिर जैसे ही जीत होती है या फिर जैसे ही सरकार बनती है आप ये पाला बदल के दूसरे पाले में चले जाते हैं। तो पाला बदलने की वजह से मेरा ये मानना, स्पष्ट तौर पर मानना है कि ऐसी पार्टियों को तो हार जाना चाहिए। अगर ये नहीं हारती हैं तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जनता ठगा महसूस करती है। हमने वोट दिया इसलिए कि आप बीजेपी को हराएंगे, हमने वोट दिया इसलिए कि आप जेडीयू, आप आरजेडी को हराएंगे, और पता चला कि आप चुनाव के बाद उसी के पाले में चले गए। तो ऐसी परिस्थिति में आपका हारना जरूरी। अब यह है, सवाल उठता है कि अगर आरजेडी भी हारेगी, जेडीयू भी हारेगी, तो वहाँ जीतेगा कौन? ये जनता को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियाँ वहाँ चुनाव लड़ रही हैं, आरएलएसपी है, एलजेपी है, तमाम पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है कि उनकी पार्टियां सभी सीटों पे नहीं होंगी, लेकिन कम से कम उनको तो जितनी सीटों पे वो खड़ी हैं उनको वहां हरा करके तो बाहर करो। बिहार में छोटी पार्टियों में जीतन राम मांझी की पार्टी को हारना चाहिए, चूंकि वो टिकटें बेचते हैं। हमको हारना चाहिए, वीआईपी को हारना चाहिए, वो भी टिकटें बेचते हैं। तो ये सब जो लोग पैसे के आधार पे खेल करते हैं टिकटों का, इन सबको हारना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक है। इस देश की जनता को समझना चाहिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ कैंडिडेट्स पर। देखिए, जीतना किसको चाहिए ये जनता का काम है तय करना। ये जनता जागरूक हो जाएगी तो ये तय कर लेगी कि कौन से लोग जीतेंगे जो हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर होंगे। इसलिए आप समझिए कि यहाँ पर चर्चा हम इसलिए हारने वालों की कर रहे हैं कि हारने वालों से ये आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी स्पष्ट होंगी कि आखिर ये लोग क्यों हारना चाहिए। अगर ये आप समझ जाएंगे क्यों हारना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप ये तय कर पाएंगे कि कौन जीतना चाहिए। कैंडिडेट्स की बात हम करें, अब पटना साहिब एक बहुत हॉट सीट है बिहार में। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में है कांग्रेस के टिकट पे, रविशंकर प्रसाद चुनाव मैदान में। रविशंकर प्रसाद पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में है, पहली बार पब्लिक के सामने आए। अभी तक वो पिछले दरवाजे से पहुंचते रहे हैं, कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है अपने जीवन या जीवन काल में, पूरे राजनीतिक काल में, जिससे उनको जनाधार उनका बना हो और उनको वोट मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की राजनीति शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं, पब्लिक के साथ उनका अटैचमेंट नहीं है, पब्लिक के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है, 2 बजे दिन में सो के जगना है, फिर रैली के लिए निकलना है, फिर चुनाव प्रचार करना है, 10 साल से वहाँ पर आप सांसद हैं और आप वहाँ पर आपके
इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका कोई समाधान आपने नहीं किया है, तो क्या आपको जीतना चाहिए? परिस्थिति वहीं आकर के वोटर के लिए समस्या ग्रसित हो जाती है कि आखिर किसको जिताएं, ये तय करना अब वोटर का काम होता है। क्योंकि अगर मेरा मानिए, मेरी बात अगर आपको समझ में आए, तो पटना साहिब से तो ना तो शत्रुघ्न सिन्हा को जीतना चाहिए ना रविशंकर प्रसाद को जीतना चाहिए। अब आप पूछेंगे जीतेगा कौन, ये तय करना, अब आपको उस दोनों में से जो बेहतर लगे उसी को आप चुनेंगे, ये समझना जरूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए। अब आइए मोतिहारी में राधा मोहन सिंह हैं। राधा मोहन सिंह को तो चुनाव हारना चाहिए, वो इसलिए हारना चाहिए कि वहाँ पर उन्होंने जो वादे किए, वो वादे अगर आप केंद्रीय कृषि मंत्री पाँच साल चंद ही मिनिस्टर इस सरकार में 5 साल तक लगातार बने रहे, उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्हीं केंद्रीय कृषि मंत्री के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर कहते हैं कि यहाँ पर चीनी मिल की हम शुरुआत कराएंगे जो बंद पड़ी है, और अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो इसी चीनी की चाय हम पियेंगे। कहाँ गई भाई बात, वो ना वो चीनी मिल तैयार हुआ ना वो चाय बनी। चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री ज़रूर है, लेकिन उस चीनी मिल की चाय किसी को नसीब नहीं हुई। और जब आप कृषि मंत्री हैं और आप ये छोटा सा काम अपने इलाके के लिए नहीं करा सकते, तो आपको हारना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश सिंह ठीक हैं, युवा हैं, राजनीति में कोई उनका आधार नहीं है, अखिलेश सिंह के बेटे हैं, तो विरासत की राजनीति है, तो क्या जीतना चाहिए सिर्फ इसलिए कि जातिगत आंकड़ों पर वो फिट बैठते हैं, इसलिए जीतना चाहिए? अगर लेकिन फिर आप करेंगे क्या, तो क्या एक मौका दिया जाना चाहिए? ऐसी परिस्थितियों में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसी परिस्थितियों में इस देश की जनता को बहुत जागरूक होकर फैसला करना पड़ता है, और करना चाहिए। वहाँ पर देखना चाहिए कि आपको क्या थर्ड ऑप्शन कोई है या नहीं है। नहीं है तो ये हमारे लोकतंत्र की बदकिस्मती है, खूबसूरती नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। तो ये हम चर्चा आज इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, अब चंपारण के साथ सटा हुआ शिवहर का इलाका है, रमा देवी वहाँ से सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं लगातार, इस बार भी चुनाव मैदान में है। विपक्ष में जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल नाकारा है, कोई वजूद नहीं है, इसलिए उसको हारना ही चाहिए। अब बेतिया जो पश्चिम चंपारण है वहाँ पर अभी खुला मैदान है, पिछली 2 दफ़ा जहाँ वहाँ से जिस कैंडिडेट को जीतना चाहिए था वो चुनाव हार गए। ये चर्चा में हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जिनको जीतना चाहिए वो क्यों हार जाते हैं। प्रकाश झा वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, 2 बार चुनाव लड़ते हैं, 3 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, पहली बार निर्दलीय लड़ा था, उसके बाद 2 बार अलग अलग पार्टियों से लड़ा, और दोनों बार चुनाव हार गए, 3 बार चुनाव हार गए, पार्टियों से भी चुनाव हार गए। वहाँ पर आज की तारीख में अगर आप देखें तो अब कोई टक्कर नहीं है, अब डॉक्टर संजय जायसवाल के सामने जो दूसरा विरोधी नेता है उसका कोई जनाधार नहीं है, उसका कोई ऐसा काम नहीं है, उसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, तो वो क्यों जीते भाई? ये फैसला हम सबको मिलकर करना चाहिए कि आखिर कौन जीते और कौन हारे। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि इस लोकतंत्र में इसका हारना ज़रूरी है, उस दिन आप ये तय कर पाएंगे कि लोकतंत्र में किसका जीतना ज़रूरी है। जब तक आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि किसका हारना ज़रूरी है, तब तक लोकतंत्र में ये तय नहीं हो पाता कि सही उम्मीदवार कौन है। तो गलत उम्मीदवार को हराइए, गलत पार्टियों को हराइए, उनको देखिए कि वो कैसे लोग हैं जिनका हारना ज़रूरी है। जैसे ही आप समझ जाएंगे किसका हारना ज़रूरी है, ये तय हो जाएगा किसका जीतना ज़रूरी है, और तब जीतेगा लोकतंत्र। यही है लोकतंत्र का गणित। हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, यूट्यूब पर फॉलो करिए, फेसबुक पर फॉलो करिए, morenews.com पर देखिए। हम फिर हाजिर होंगे दोबारा गणित के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।